नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। सत्र से पहले मंथन और इसी पर आज चर्चा की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक साल तक चले किसान आंदोलन के चलते केंद्र सरकार द्वारा जो 3 कृषि कानून वापस लेने और इसी के बाद भी किसानों का आंदोलन अभी तक जारी रहने और किसानों द्वारा एमएसपी पर कानून बनाने की मांग के चलते 29 नवंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सत्र में सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक संसद में पेश करेगी। वहीं विपक्ष भी कृषि कानूनों और एमएसपी पर सरकार को घेरेगा। सत्र के दौरान संसद सुचारू रूप से चले इसके लिए आज अहम बैठकें बुलाई गई हैं, जिसमें सत्र के लिए मंथन किया जाएगा। अभी कुछ ही देर में विपक्ष की बैठक शुरू होने जा रही है, जिसके बाद सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी दलों के नेता मौजूद रहेंगे और बैठक में विपक्ष सत्र के दौरान किसानों को मुआवजा, एमएसपी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करेगा। वहीं सरकार सभी दलों को संसद में पेश किए जाने वाले सभी बिल के बारे में भी जानकारी देगी और शाम 4 बजे एनडीए की भी बैठक होगी। इसमें एनडीए के नेता सत्र के लिए रणनीति भी तय करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 29 नवंबर को संसदन में मौजूद रहने के लिए अपने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। तो शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर जारी है और मंथन सभी पार्टियां करने जा रही है और इसी को लेकर विपक्षी पार्टियों का भी आज बैठक बुलाई गई है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की ये बैठक बुलाई है। विपक्षी दलों के साथ जो सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई निश्चित हुई थी और कुछ ही देर में अब बैठक शुरू भी हो जाएगी। इसी के साथ बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें विपक्ष के नेता भी और फ्लोर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे और तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जानकारी ये दी जाएगी कि कौन कौन से बिल इस बार पास पेश किए जाएंगे और क्या कुछ रणनीति आगे की तैयार होगी, ये तमाम जानकारी आज दी जाएगी। इसी के साथ शाम 4 बजे एनडीए की भी बैठक होगी और एनडीए के सत्र के लिए भी आज रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से विपक्ष को घेरना है, किस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरेगा, इस पर आज चुनावी रणनीति पूरे तरीके से बनाई जाएगी, क्योंकि चुनाव भी अब दूर नहीं है, इसलिए ये जो सत्र है ये काफ़ी अहम माना जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज कई अहम बैठकें हैं और इसी बैठकों में आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता मौजूद रहेंगे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, खुद वो मौजूद रहेंगे और इस बैठक में वो ये तमाम रणनीति तय करेंगे कि आखिर किस तरीके से बैठक में विपक्ष को घेरा जाए और खुद को बचाया जाए, क्योंकि कृषि कानून हाल ही में सरकार ने रद्द कर दिए हैं, इसलिए एक मुद्दा तो कहीं ना कहीं छीन लिया है बीजेपी ने किसान विपक्ष से, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष अभी भी सरकार को घेर रहा है। तो चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ नेता कांग्रेस से मौजूद हैं, राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं और दिलीप यशवर्धन जी हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं सीके ठाकुर जी आप ही के पास आना चाहूंगी। विपक्ष के नेताओं की बैठक शुरू है, क्या कुछ आज रणनीति तय की जाएगी और आगे बीजेपी को कल के शीतकालीन सत्र में किस तरीके से घेरने की कोशिश? क्योंकि एक परंपरा होती है जब सत्र शुरू होता है तो बुलाते हैं और उससे पहले विपक्ष भी अपनी बैठक कर लेते हैं। तो उसी क्रम में आज जो बैठक है, सबसे पहले तो जो किसान आंदोलन है जिसको जिस 3 कानून को प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया और उस आंदोलन के दरमियान जिसमें किसान की मौत हुई है उसका मुआवजा चाहिए, इस मुद्दे पर चर्चा होगी। और दूसरा अजय मिश्रा कैनी जी जो कहीं न कहीं से वो इन्वॉल्व है, उनका बेटा आज जेल में बंद है, तो उनका इस्तीफा जो किसान का मुद्दा है, किसान जो मांग कर रहे हैं कि नहीं उनको इस्तीफा देना चाहिए, ये सब मुद्दाएं हैं।
और भी मुद्दा जो देश के विकास में जो काम आवे आगामी चुनाव के दरमियान, मुझे लगता है कि इस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को रखेंगे, तो उस पर भी सोच समझ करके विपक्ष अपनी राजनीति को तय करेंगे कैसे आगे देश का विकास हो, कैसे डेवलपमेंट करे, क्योंकि देश के विकास में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। विपक्ष एक आईना होता है जो दिखाते हैं कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो, तो उसी मुद्दे पर चर्चाएं होगी आज। रामलालन जी, आपके पास आना चाहूंगी, विपक्ष की बैठक भी है और उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक के बाद शाम को एनडीए की भी बैठक होगी, क्या कुछ इन तमाम बैठकों में खास रहने वाला है बीजेपी की ओर से? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात ये है कि आज देश में जो परिस्थिति बन रखी है, जो कृषि कानून को लेकर हो या बीएसएफ के दायरे को बढ़ाने को लेकर हो या कुछ और भी चीजें हैं, तो सर्वदलीय बैठक इस बात को लोकतंत्र में संयुक्तता का पाठ पढ़ाते हुए ये जरूर बताता है कि अगर हमारे देश के अंदर कुछ गुमराह करने की बातें चल रही हैं, तो उसको आपका भी दायित्व बनता है उसको खत्म करने के लिए, क्योंकि सरकार का पक्ष और सदन की आत्मा वो विपक्ष ही होता है। दूसरी बात कि स्वस्थ राजनीति करने के लिए स्वस्थ वातावरण की भी आवश्यकता होती है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई सी के ठाकुर साहब ने एक बात कही, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा कि लखीमपुर खीरी को लेकर भी बातें कही और कृषि कानून को लेकर बातें कही, तो मैं आपको एक चीज के लिए बताना चाहूंगा और यही आपको भी कहना होगा, जो आप कहना नहीं चाहते हैं आपका भी दायित्व बनता है कि किसान नेताओं को समझाने का, जो आप अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि मैं वापस कर रहा हूं, तो वहीं से ये मुद्दा समाप्त हो गया है। और जहां तक लखीमपुर की बात है, तो लखीमपुर की बात भी लगभग समाप्ति की तरफ है, क्योंकि जो वहां गृह राज्य मंत्री जी के जो सुपुत्र हैं वो सलाखों के पीछे हैं और अन्य लोग भी सलाखों के पीछे हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे कानून खास की हो या आम की हो, कानून का जो डंडा होता है वो सब पे बराबर ही पड़ता है, चोटें उतनी ही आती हैं, ये भी ध्यान रखना होगा। लेकिन आपने एक बात कही, जो विपक्ष की बातों की ही मैं बात करता हूँ, जो किसान आंदोलन की बात कही, अब आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसको खारिज कराइए और आप सहयोगी बनिए, ताकि जो किसान भाई वहां बैठे हैं उनको जो समझ नहीं आ पाने में जो समस्या हो रही थी, उसको आप समझाने का प्रयत्न कीजिए। जब सरकार की बातों को वो नहीं समझ पाए, तो विपक्ष का ये बनता है, क्योंकि मैंने ये कहा कि लोकतंत्र में सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान है, तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है कि सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। ऐसा परिणाम पहले भी हम लोगों ने देखा है, जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को बनाया गया था विदेश मंत्री और सरकार किसी और की थी, तो इसका हमको मार्ग का अनुसरण करना है और जो सही है उसको बताना है। ठीक है, दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी, जो आपने बातें सुनी है राहुल आनंद साहब की, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने ये कानून वापस ले लिए हैं और कानून वापस लेने के साथ जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं किसानों के हक में, उसके बाद किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए, लेकिन क्या वाकई किसान जिस एक साल से बैठे हैं सड़कों पर मांगों को लेकर, क्या वाकई इतने जल्दी वो आंदोलन खत्म करना सही है उनका, या फिर राहुल आनंद जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया? मुस्कान, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन खत्म हुआ है ये सरकार ने नहीं किया है, ये एक राजनीतिक पार्टी ने किया है, और राजनीतिक पार्टी ने जिस नजरिए से किया है वो नजरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन सरकार का डिसीजन ये नहीं है। अब बात आती है कि जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए थे और विपक्षी भी इसी बात को लेकर के अड़े हुए थे कि कानून काला है, कानून में काला क्या है ये किसी ने नहीं बताया, पूरा कानून काला और पूरा कानून वापस हो जाना चाहिए। अब अगर किसानों की बात को मानते हुए, विपक्ष की बात को मानते हुए सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया है, प्रधानमंत्री जी ने इस कानून को वापस ले लिया है, तो ये मुद्दा वाकई में यहीं से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक किसान सिर्फ इस बात पर अड़े थे कि ये काला कानून है, इसको वापस होना चाहिए, ये इस देश के भविष्य के लिए गलत परिपाटी पड़ गई है कानून वापस होकर के। लेकिन कानून वापस हो गया अंतोगत, जब कानून वापस हो गया तो आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो आंदोलन था ये किसान बिल को लेकर के नहीं था, किसान बिल तो एक सहारा था न्यूसेंस क्रिएट करने का, किसान बिल वापस हो गया लेकिन वो न्यूसेंस अभी भी बरकरार है। अब मांगे कुछ और हो गई,
अब उनका कहना है कि हम एमएसपी पर जब तक कानून नहीं आएगा तब तक नहीं हटेंगे। मन तो पड़ गया ना उनका कि कानून वापस हो सकता है, हमारी बात मानी जा सकती है। बिल्कुल। तो मैं किसान बिल, जो किसान का धरना था, इस बात को पहले भी समर्थन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने किसान के जो किसान नेता बैठे कई बार डिबेट्स में या विपक्षी डिबेट्स में बैठे, मैंने सबसे ये कहा कि इस कानून में काला क्या है ये तो बता दीजिए, उसको कोई नहीं बता पाया। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक मुद्दा था, वो राजनीतिक मुद्दा समाप्त हो गया, तो अब उसी में से उनको एक दूसरा मुद्दा निकाल करके लाना है। देखिए, पक्ष हो, सत्ता हो या विपक्ष हो या इस देश का कोई भी नागरिक हो, सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि देश में किस तरीके से शांति बहाल रहे और ये देश प्रगति के पथ पे चढ़े। इसमें सबसे प्रथम जिम्मेदारी आती है जो सत्ता पे बैठा हुआ है, उसको सपोर्ट करने की जिम्मेदारी आती है विपक्ष की। लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी सपोर्ट करने के साथ साथ क्रिटिसाइज करने की भी होती है कि सत्ता गलत तरीके से ना इस्तेमाल करे अपनी पावर का, जो विपक्ष को करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस देश में सत्ता भी पावर का मिसयूज करती है और विपक्ष अगर कहीं कोई बात को ऑब्जेक्ट करता है तो उसका ऑब्जेक्शन पब्लिक के मध्य नजर नहीं होता है, उसका ऑब्जेक्शन अपने मध्य नजर होता है कि हमारी राजनीति कैसे चमकेगी। बिल्कुल। और इस देश की जो जनता है, जो गणतंत्र है, जो विपक्ष और पक्ष दोनों को संसद तक पहुंचाता है, वो विपक्ष वो जनता वोट देने के बाद सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं, फिर उसका कोई रोल नहीं रह जाता, फिर वो कुछ नहीं कर सकती है। तो जनतंत्र एक हद तक, एक पॉइंट तक जनतंत्र ठीक है, उसके बाद जनतंत्र की परिभाषा खत्म हो जाती है, जनता के हाथ में कुछ नहीं जाता। इवन अगर मेरा विधायक ठीक से काम नहीं कर रहा है तो मैं भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तो कुल मिलाकर के जिम्मेदारी ये है कि देश प्रगति के पथ पे चले, सत्ता जिम्मेदार है, विपक्ष जिम्मेदार है, लेकिन दोनों लोग अपना अपना काम समाज की नजर से नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की नजर। बिल्कुल। ये आंदोलन जिस तरीके से हमने देखा है, इसमें राजनीति ही हुई है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। और जिस तरीके से किसानों के बारे में आप कह रहे हैं, खैर उनके बारे में इतना बोलना भी हम नहीं जायज समझते हैं, क्योंकि देखिए किसान भी अपने हक के लिए बैठे थे। मैं आपसे सवाल का जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सत्र से पहले जिस तरीके से बैठकों के साथ साथ मंथन किया जा रखा है कि आगे किस तरीके से रणनीति शीतकालीन सत्र को लेकर तैयार की जाएगी, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। मैं सीके ठाकुर जी आपके पास आना चाहूंगी। फिलहाल देखिए, जो भी फैसला सरकार की ओर से लिया गया किसान आंदोलन पर, लेकिन विपक्ष की ओर से तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं छीन लिया गया है विपक्ष के हाथों से। आप कौन से मुद्दों पर आप सरकार को घेरेंगे? क्योंकि जिस तरीके से दिलीप जी ने भी ये बात कही, और वाकई ये बात बहुत सही है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आंदोलन में विपक्ष था किसानों के साथ। सीके ठाकुर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और चर्चा की शुरुआत उनसे करेंगे। तो राहुल आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। विपक्ष की ओर से मुद्दा तो कहीं ना कहीं छीन लिया गया है, लेकिन विपक्ष अभी भी एमएसपी पर अड़ा हुआ है और इसी के साथ किसान भी एमएसपी पर अड़े हुए हैं अभी भी। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा अपने प्रारंभिक संबोधन में इस बात को कि विपक्ष का यह दायित्व बनता है कि अगर कहीं कुछ भ्रम फैला है तो उसको दूर करने के लिए, यही हमारा विपक्ष नहीं कर पाता है। जहां तक एमएसपी की बात है, तो एमएसपी में मैं इस बात को भी आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि एमएसपी की समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 2014 के पहले और 2014 के बाद जो खरीदारी, जो रेटों में लगातार बढ़ोतरी, वो इस चीज का प्रमाणित जरूर करता है कि ये कहीं ना कहीं ये उचित हो रहा है। लेकिन हमें वास्तविकता से भी परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे कि विश्व व्यापार संगठन पहले से ही इन नीतियों के विरोधी है, क्योंकि कभी भी कोई सरकार कोई चीजों को खरीदती है तो वो अंतरराष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखते हुए खरीदती है। अगर एमएसपी पे जो कठोर सच्चाई है, जो अगर एमएसपी पे कानून बनती है, तो मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से जो सूचना मुझे प्राप्त हुई है, मैं उसी की बात करता हूँ कि इसके कोई खरीदार नहीं मिलेंगे भविष्य में, कोई खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये कहीं से भी ये प्रतिकूल नहीं होगा कि अगर आप महंगे में खरीद के सस्ते में किसी चीज को बेचें, वो कहीं से ही नहीं होगा। और देश की विकास की रफ्तार देने के लिए मैं जो हमारे साथी बैठे हैं, बड़े भाई राजनीतिक विशेषज्ञ, मैंने उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना और उनकी बातों का मैं सम्मान करता हूँ।
उन्होंने वास्तविकता से भी परिचय कराया और परिचित कराया उन शब्दों से कि आखिर वास्तविकता क्या है, यही होनी चाहिए। अगर हमारा देश समझने को नहीं तैयार है तो ठीक है, हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं और हम पीछे हटते हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं किसान भाइयों का ही नुकसान है 80% का। थोड़ी देर के लिए आप बात कर लेते हैं बीएसएफ के लिए, अगर सुरक्षा दायरा को बढ़ाया जाता है तो लेकिन ये देश के लिए तो सही नहीं है ना। देखिए, पहले कानून बनाए गए, उसके बाद कानून को वापस इस तरीके से ले लिया गया, इस तरीके से तो हर कोई इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगा, सड़कों पर बैठा रहेगा और कानून आप वापस लेते रहेंगे। देखिए, मैं बात से सहमत हूँ और आपने जो प्रश्न किया, इसी प्रश्न के लिए मैं लड़ाई था कि ऐसा प्रश्न आना चाहिए कि यही बात, ये देश के लिए ये सुरक्षित नहीं रहा, ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से अराजक तत्व उस आंदोलन में सम्मिलित हुए थे और जिस प्रकार से गुमराह कर रहे थे, वो हमारे ही देश के लोग थे और हमारे अपने ही थे, जो बार बार कहीं किसी की हत्या हो जा रही थी, कभी किसी की हत्या हो जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की आत्मा को छलित कर रहा था। इसको बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सहानुभूति भरा कदम उठाया, इसकी मैं सराहना करता हूँ, पूरा देशवासी इसका सराहना करता है कि उनको भी बचाना जरूरी था। लेकिन जहां तक अगर राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है तो वहां कभी हमारा देश कमजोर नहीं है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, हम मजबूती के साथ वहां खड़े हैं। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से बीएसएफ के दायरे को बढ़ाया गया है और कुछ ऑर्डिनेंस पास करके उनको खारिज किया जा रहा है, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का कार्य किया जा रहा है, जो ये गलत है, ये समझना होगा। क्योंकि हम उन लोगों को बिगाड़ रहे हैं जो अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, जो किसान आंदोलन में लोग बैठे हैं, उनकी मांगों को सरकार मानी और उनके साथ बैकफुट पे आ गई, जबकि आप ही कहते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। लेकिन हम फिर भी अपने देश की आत्मा को, अंतरात्मा की आवाज को सुन रहे हैं, क्योंकि हमारा देश अगर इतना ही था तो देश की आत्मा की आवाज को थोड़ा पहले सुन लिया जाता, अगर आपको यही फैसला लेना था तो। राहुल आनंद जी, मैं दिलीप जी, मैं लौटूंगी दिलीप जी आपके पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी की बातों से क्या वाकई आप सहमति रखते हैं? क्या वाकई जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश की आत्मा के साथ हमने न्याय किया है, ये तमाम बातें अब किताबी कहीं ना कहीं रह गई है, ये तमाम बातें हर प्रवक्ता बोलता है, हर नेता बोलता है, लेकिन बात अब ये है कि जिस तरीके से आपने भी अपने प्रारंभिक संबोधन में ये बात कही स्टार्टिंग कमेंट में कि वाकई ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित था, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चुनाव के मद्देनजर ये डिसीजन लिया गया, लेकिन ये भी सत्य है इस आंदोलन का सहारा लेकर के बहुत सारे अराजक तत्व अपने गलत उद्देश्यों को सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, देखिए, किसानों का पूरा सम्मान है, किसानों के आंदोलन का पूरा सम्मान है, और इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वो आंदोलनों से ही हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन वो आंदोलन हुआ करते थे जिससे इस देश की जनता प्रभावित होती थी और उस आंदोलनों का एक पॉजिटिव उद्देश्य हुआ करता था। ये जो किसान आंदोलन था, इस बात को मैंने देवन से लेकर के मैं आज तक अपनी बात पढ़ा हुआ कि इस किसान आंदोलन का उद्देश्य मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप इस कानून के आने के बाद आपको ये लग रहा था कि किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी, तो इसका मतलब इस कानून के आने से पहले देश में किसानों की स्थिति अच्छी थी। अगर अच्छी थी तो फिर किसानों का मुद्दा 1947 से लेकर के अब तक क्यों चल रहा था, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा था, क्यों किसानों की बदहाली की दुहाई हमेशा दी जाती थी, और ये तो शुरू से चला आ रहा है ना। तो एक बदलाव हो रहा था कि ये कानून आ रहा था, इस कानून का इम्पैक्ट भी आप देख लेते। अगर आपको लगता था कि कानून आ जाने से और ज्यादा आपकी हालत खराब हो जाएगी, तो आप उस अल्टरनेटिव रेमेडी को लेकर के मैदान में आते, साहब आप ये नहीं ये करिए। अगर एमएसपी को, जो एमएसपी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कांग्रेस के रिजीम में लगाया गया था, अगर आप उसको एक लीगल डिसीजन बनाना चाह रहे थे, उसको संसद से पास करा के कानून बनाना चाह रहे थे, तो आपका आंदोलन इस बेस पे होना चाहिए था कि ये फॉर्म बिल को वापस लीजिए और एमएसपी के कानून को लगाइए। लेकिन ये नहीं था। अब कानून वापसी हो गई तो अब उन्होंने एक नया मुद्दा उठाया कि हमें एमएसपी चाहिए। एमएसपी, देखिए, इस देश का जो कानून होता है ना, कानून को समझने के लिए एक बारीकी चाहिए। मैं किसानों को ये कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये रियलिटी दिखा रहा हूं आपको कि इस देश का बहुत सारा किसान ऐसा है जो बहुत साधारण बातों को, किताबी बातों को नहीं समझ पाता है, तो कानून को कैसे समझेगा। तो उनको जिस तरीके से कानून समझाया गया, उन्होंने उस कानून को समझ लिया, और जिन्होंने इन कानूनों को उन्हें समझाया, मैं गारंटी कह सकता हूं, आप अपने डिबेट में बुला लीजिए, मैं चैलेंज देके कह रहा हूं कि मैं इससे पहले के कानूनी प्रावधानों को पूछूंगा तो वो बता नहीं पाएंगे।
कानूनी प्रावधान तो छोड़ दीजिए, जो तीन कृषि बिल थे अब तो इनका नाम भी किसी को याद नहीं होगा, मुझे भी नहीं याद है। सत्यता ये है कि मैं भी भूल गया, अभी फॉर्म बिल के नाम से फेमस हो गया है। वो तीन फॉर्म बिल्स कौन से थे मुझे भी पूरा नाम नहीं याद है। जब फॉर्म बिल का नाम नहीं याद है तो मैं कैसे कह सकता हूँ, कैसे बिलीव कर सकता हूँ कि इसके जो कंटेंट थे वो आपको याद हो। खैर वो बात अब खत्म हो गई है। अब किसानों को अगर लगता है कि वो इस देश के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, इस देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए। और आप देश में जो इतना बड़ा बॉर्डर घेर के बैठे थे, वहां आने जाने वालों को साल भर से परेशानी हो रही है, कितने लोग इस किसान आंदोलन में इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, जो छोड़ के चले गए उसकी जिम्मेदारी उन किसानों पर भी तो बनती है कि ये जो लोग मर गए उनके आंदोलन में सहयोग देते हुए, ये उनकी वजह से मर गए हैं। अब किसान बिल हट गया तो उनको क्या फायदा होगा और उनके परिवार को क्या फायदा होगा। लेकिन दिलीप जी देखिए, ये बात है ना, देखिए ये बात आपने बहुत सही कही है कि अगर वहां पर जो किसान है उनके जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं आंदोलन में ही हुई है, लेकिन उसके बाद उनको शहीदों का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही है, इस बात से कितनी सहमति दिया जाना चाहिए? नहीं ठीक है, शहीदों का दर्जा दिया जाना चाहिए, मैं इस बात से इत्तफाक रखता भी हूँ और नहीं भी रखता हूँ। किसी की भावनाओं का अगर मैं सम्मान करता हूँ तो मेरा इत्तफाक है कि शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, लेकिन इस तरीके से अगर मैं कानूनी रूप से संवैधानिक रूप से बात करूं तो हर वो व्यक्ति जो किसी भी वजह से एजिटेशन करता हुआ शहीद हो जाए, इस दुनिया से चला जाए, तो हर व्यक्ति को शहीद कहा जाएगा। और दो शहीद नाम की, शहीद शब्द की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। इस बात का आरटीआई में भी खुलासा हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स ने कहा है कि शहीद शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया कि किसको शहीद कहा जाएगा। ये शहीद एक सम्मान का सूचक है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इस देश के ऊपर, इस देश के कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी जान दी। अगर मैं व्यक्तिगत हित में किसी आंदोलन में बैठा हूं और उस वजह से मेरी जान जाती है तो मुझे शहीद कहा जाए, ये मैं इस बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन कह भी दिया जाएगा तो मुझे इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ठीक है, डिबेट की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। सीके ठाकुर जी आपके पास भी मैं लौटूंगी कई अन्य सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सत्र से पहले मंथन आज जारी है और विपक्ष की बैठक अभी भी जारी है, और इसी के साथ 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक भी आज होने वाली है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीके ठाकुर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, आपका संपर्क टूट गया था, मेरा सवाल आपसे वही रहेगा सीके ठाकुर जी, अब जिस तरीके से किसान आंदोलन का सबसे अहम मुद्दा था, क्योंकि ये शीतकालीन सत्र है और सबसे अहम ये इसीलिए माना जा रहा था क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है, और अब जब विपक्ष की ओर से जो बीजेपी की सरकार है, और जिस तरीके से दिलीप जी ने कहा कि एक राजनीतिक पार्टी का ये फैसला था, उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस से या फिर विपक्ष से ये मुद्दा पूरे तरीके से छीन लिया है इस बार। जी नहीं, मुद्दा क्या छीन है, प्रधानमंत्री जी ये सरकार जो है इतनी रवैया के माध्यम से सारा काम किया, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, तो कृषि कानून को भी उसी दायरे में लाया। आपको इस बात बताना चाहता हूँ कि इस देश की जितनी भी कंपनियां हैं जो सरकार से रिलेटेड है, मतलब पंचतंत्र महारत्न कंपनियां है, उस कंपनियां का जो प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं उसको प्रधानमंत्री जी बेचते रहे हैं प्राइवेट हाथों में, और जो सिख है, जो बीमार इंडस्ट्री, उसको बेचते नहीं है ये, क्योंकि जो प्रॉफिट में उसको बेचते हैं, ये जो मेहनत में जा रहा है उसको बेचते नहीं है। तो इस रवैये से किसान को पूरी तरह से पता था कि ये जो कृषि कानून है वो कानून पूरी तरह से किसान को ध्वस्त करने वाली है। किसान, अब राहुल जी हमारे कह रहे थे कि विश्व व्यापार संगठन का नजर है, तो ठीक है, पहले अपने देश में यह जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा देश है, तो हम लोग एक्सपोर्ट क्या, पहले अपने देश में की व्यवस्था कर लें इसकी, जब हमारे घर में खाना है तो हम एक्सपोर्ट पे कहाँ चले जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जिस ओर ले जा रहे थे किसानों को, यह भी जैसे जो उनकी उनकी जो पेटेंट कंपनियां हैं उनके नजर में, वो कंपनियों को ये चीज कर देते, उसको सब कुछ बेच देते, तो इसलिए किसान को डर है कि प्रधानमंत्री जिस ढंग से देश में बेरोजगारी का आलम है, जिस ढंग से देश में लोगों से रोजगार छीन रहे हैं, बैंकिंग व्यवस्था को ये खत्म कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसान को ये डर था कि अभी प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो किस ढंग से एक एक करके ठीक उसी रवैये प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं,
एक एक चीज देश को गुलाम कर देंगे, ये कंपनी के हाथ में चले जाएंगे। जब सरकारी संस्था थी, सरकार ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, तो इसलिए पूरी तरह से डर है कि ये आदमी, ये जो नेता है हमारे माननीय मोदी जी, हमें कहीं ना कहीं गुलामी के जंजीर में जकड़ देंगे। इसलिए किसान आंदोलन पे, और विपक्ष तो आईना है, मैं बार बार कहा विपक्ष आईना दिखाता है। दिलीप जी कह रहे थे, मैं समझ रहा था इस बात को, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉफिटेबल चीज है वो प्रधानमंत्री जी कंपनी की बेच दी। दिलीप जी इस पर भी गौर किया जी। ठीक है राहुल आनंद जी, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन दिलीप जी आपसे पहले सी के ठाकुर जी की जो जवाब है उनका, उस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आपकी बातों से तो वो सहमति रख रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आपको उनकी बातों से सहमति है? क्या वाकई विपक्ष है जिसका काम है सरकार को आईना दिखाना, वो अपना काम बखूबी निभा रहा है इस बार? बिल्कुल ठीक है, विपक्ष का काम वाकई में इस देश का, देश के सरकार को आईना दिखाना है। विपक्ष वॉच डॉग की भूमिका में रहता है, और जितनी जिम्मेदारी सत्ता की होती है उतना ही हक और उतनी ही जिम्मेदारी विपक्ष की भी। लेकिन सवाल यहाँ पर डीके ठाकुर साहब से ये जरूर मैं करना चाहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे 2014 या उसके बाद के मुद्दे नहीं है। ये मुद्दे 1947 से 1950 तक थे, और 1950 में संविधान बनने के बाद 1951 में जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बना और पहली बार गणतंत्र के माध्यम से इस देश में इलेक्शन हुआ, तब से चले आ रहे हैं। और उस समय सत्ता की कमान आपने संभाली और दशकों तक आपने संभाली, तब इन मुद्दों में सुधार क्यों नहीं हुआ? इन मुद्दों में सुधार अगर नहीं हुआ तो आपको आज इस पर खुद भी मंथन करना पड़ेगा कि दशकों तक राज करने के बाद अगर किसान की हालत यही थी, बेरोजगारी वैसे ही थी, कानून व्यवस्था वैसे ही थी, तो फिर क्यों, क्या किस चीज की कमी रह गई थी हमारी सत्ता में जो हम नहीं कर पाए इस देश की जनता के लिए, जो हमें करना चाहिए था? देखिए इस देश में बहुत कुछ हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कांग्रेस के रिजीम में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हो सकती थी वो नहीं हुई, जिसमें सबसे पहला आधार मैं शिक्षा को मानता हूं। शिक्षा जिसमें सबसे ज्यादा जोर सरकार को देना चाहिए था, उस सरकार ने जिसने इस देश की इंजन पर ड्राइवर की गद्दी पर की भूमिका निभाई, सबसे पहले ड्राइवर की गद्दी पर आप बैठे थे और आप इस देश के डेवलपमेंट की गाड़ी को सही दिशा में लेकर के जा सकते थे, लेकिन आप नहीं गए। शिक्षा उसका सबसे मजबूत अंग था, उस मजबूत अंग को मजबूत करने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया। जब शिक्षा नहीं हुई तो डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो बेरोजगारी रही, बिजनेस को लेकर के विसंगतियां आपकी सरकार में भी रहा करती थी, आज की सरकार में भी है। कानूनी विसंगतियां आपकी सरकार में भी रहा करती थी, आज की सरकार में भी है। मैं हमेशा सरकारों से सवाल करता हूं, मैं ना कांग्रेस से सवाल करता हूं, ना मैं भाजपा से करता हूं, ना बसपा सपा किसी से नहीं करता हूं, मैं तो सरकार से सवाल करता हूं कि सरकार जब गद्दी पर बैठती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन वही व्यक्ति जब सरकार में होता है तो डेवलपमेंट का ढोल पीटता है, और जैसे ही वो सत्ता से हट करके विपक्ष की भूमिका में आता है तो वो कहता है कि ढोल के अंदर पोल है। तो अगर ढोल के अंदर पोल है तो उस पोल का बीज आपने भी तो बोया है कहीं ना कहीं, आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? आप ये कहें यहां साहब डेवलपमेंट में कमी थी, हम भी इसके जिम्मेदार हैं, तो मैं मानूंगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों जनता के प्रति ईमानदार हैं। आप जनता के प्रति ईमानदार नहीं है। इस देश का संविधान फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल की बात तो करता है, लेकिन सिर्फ शब्दों में, कोई फॉर द पीपल नहीं, कोई बाय द पीपल नहीं। बाय द पीपल है, टू द पीपल और फॉर द पीपल नहीं है। बाय द पीपल होने के बाद टू द पॉलिटिकल पार्टी एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी हो जाते हैं, एंड फॉर देयर ओन ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। ये सत्यता है इस देश। बिल्कुल राहुल आनंद जी, इन्हीं बातों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही है, जो संविधान हमारा बताता है वो कहीं ना कहीं अब देश में देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कहीं कुछ कमियां होती हैं तो उसको हम ठीक करने का काम करते हैं। दिलीप जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो राजनीतिक पार्टियों को जो बात बताने का जो कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल होना चाहिए, और यही एक सच्ची और स्वस्थ परंपरा भी है। लेकिन अगर कहीं से कोई शुरुआत करता है कोई कार्य को करने का, तो उसको हमारे ही देश के विपक्ष के लोग उसको नहीं समझना चाहते हैं। देखिए अभी हम पिछले 45 मिनट से हम लोग चर्चे में शामिल है, और जब से कृषि कानून को खत्म कर दिया गया है, खत्म हो गया है बिल्कुल तरह से, उसके बाद भी कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बैठ के अभी भी गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। तो एक तो यही से ये सिद्ध हो जाता है। दूसरा बात, इन्होंने ये बात कही कि अपने यहाँ खाने की दिक्कतें हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और विश्वास में लेकर आपको मैं ये बात कह रहा हूँ सम्मानित चैनल के माध्यम से, कि हमारे पास इतना धान चावल है, गेहूं है, कि पूरा दुनिया खा सकती है।
को खिला सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो क्षमता है रखने की वो हमारी कम है। इस पे ही मंथन करना चाहिए और इस पे आपने भी आज तक कोई सुझाव नहीं दिया, यही हमारी कमजोरी है। इसलिए हमारे देश को तैयार रहना चाहिए इसके लिए, भविष्य के लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भविष्य में आपको या हमें माफ नहीं करने वाली है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बोध करा रहा हूं। दूसरी बात, ये कह और पी चिदम्बरम ने 2014 के पहले एक कानून पारित किया था जिसमें बीएसएफ को लेकर उन्होंने बात कही थी, तब उनको अराजकता नजर नहीं आया था, तब किसी ने नहीं समझा। उस समय गैर भाजपा सरकार भी थी और बहुत जगह पे कांग्रेस गैर कांग्रेस सरकार भी थी, लेकिन हमने कभी इस नीति का विरोध नहीं किया, क्योंकि जो गुजरात का जो सीमा आता था वो हो चाहे अन्य जगह हो पंजाब हो, हमने कभी उनका विरोध नहीं किया कि ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन एक आदत सी पड़ गई है इनको ऐसे जीने में कि कुछ भी हो हमें इनका विरोध करना है। इन्होंने कही कि रोजगार की बातें कही, तो मैं आपको डाटा पेश कर रहा हूँ। 2021 में 4.20 करोड़ लोगों को किया गया है शिशु लोन योजना किया गया है, जिसमें 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, यानी कि 88% लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी प्रकार मुद्रा योजना जो 10 लाख तक की विदाउट गारंटी की जो की गई है, तो हमने रोजगार के अवसर तो खड़ा किए ही है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते हैं और आप अभी भी आईना के सामने खड़े होकर अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं, आप बस राजनीतिक और राजनीतिक रवैये के हिसाब से अपने आप को देखना चाहते हैं। अरे आपको जानना होगा कि वास्तविकता क्या है। जिस तरह मैं सच को और तथ्य को बोल रहा हूँ दुखी होकर, उस तरह आपको भी मानना होगा, क्योंकि सरकारें आती है जाती हैं, लेकिन जो आप भविष्य को देखकर अगर अभी फैसला लेकर आप नहीं खड़े रहिएगा, आप कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस करेंगे और देश की सम्मानित जनता और किसान यही स्थिति रह जाएगी। हमने सुधारने का प्रयास किया, वो कदम मेरे साथ चलो तो सही, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी वो बात का विषय है, लेकिन फिलहाल भविष्य को लेकर तो करो। मैं पेशे से मैं बाय प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं करता हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि इसके क्या लाभ और क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो अभी आप पार्टी फॉर्म के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, एक लड़के को समझिए जो पढ़ लिख कर पैसे लगाकर पढ़ लिख कर वापस आकर खेती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ संभावना दिखी, तभी मैं कर रहा हूँ। तथ्य है और सच्चाई है। ठीक है दिलीप जी, राहुल जी की बातों पर आपकी प्रतिक्रिया, और इसी के साथ ये भी मैं जानना चाहूंगी, कृषि कानूनों पर तो हमने बात कर ली क्योंकि सबसे अहम मुद्दा रहने वाला है, लेकिन और भी कई अन्य मुद्दे हैं जो शीतकालीन सत्र जो है उसमें काफी हंगामा करने वाले हैं। विपक्ष की भूमिका पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आप मुद्दे मानते हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा? देखिए, विपक्ष के पास ऐसे कोई मुद्दे नहीं है जिनसे वो सरकार को घेर सके, लेकिन दूसरा सत्य है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सरकार को वास्तविकता में घेरा जा सकता है, और वो मुद्दे बड़े पुराने हैं, कुछ नया मुद्दा नहीं। देखिए, एक समय था जब रोटी कपड़ा और मकान ये आदमी की बेसिक जरूरतें हुआ करती थी। आज उन बेसिक जरूरतों में रोटी कपड़ा और मकान के साथ दवाइयां, एजुकेशन, सुरक्षा, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण, सुरक्षित वातावरण, ये सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज हैं, और ये बेसिक नेसेसिटीज इस देश में लैग कर रही हैं। इस देश की हवा अगर खराब हो रही है तो उसी हवा को कांग्रेस के लोग भी सूंघ रहे हैं, उसी को समाज सारी पार्टियों के लोग सूंघ रहे हैं, उसी को सत्ता भी सूंघ रही है और उसी को आम जनता भी सूंघ रही है। उसमें अगर वायरस है तो वो सबको नुकसान कर रहा है, तो वो हवा को शुद्ध करने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये देश के प्रतिनिधित्व कर रहे लोग अगर इस जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे, जो वास्तविक मुद्दे हैं जिसपे विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए, लेकिन सरकार को घेरने का मतलब सिर्फ सरकार से सवाल पूछना नहीं होता है। मैं हमेशा ये बात विपक्ष को लेकर के कहता हूँ कि विपक्ष जब किसी बात पर ऑब्जेक्शन करता है तो उसको ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन भी बताना चाहिए कि आप ये काम इस तरीके से ना करके इस तरीके से करिए तो ये बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन कोई भी विपक्ष, जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा भी ये काम नहीं करती, कोई भी विपक्ष कभी भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी के साथ नहीं आता है, सिर्फ इल्जाम लगाने आता है, क्योंकि इल्जाम लगाने से उसकी राजनीति चमकती है। और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता डेटा प्रस्तुत कर रहे थे रोजगार का, वे रोजगार का डेटा कागजों में मैं हर प्रवक्ता से सुनता हूँ, आपकी सरकार में आपके प्रवक्ताओं से सुन रहा हूँ, पिछली सरकारों में पिछली प्रवक्ताओं से सुनता था। मुद्रा लोन की बात होती है साहब, ये सारी चीजें कागजी आंकड़ों में है। मुद्रा लोन वास्तविकता में जरूरतमंद को कभी नहीं मिलता है, उनको मिलता है जिनके बैंक मैनेजर जानने वाला होता है या जिनका कहीं कोई जुगाड़ होता है। मैं बैंक में लोन लेने जाता हूँ, साधारण आदमी बैंक में लोन लेने जाता है तो वो कहते हैं ये कागज लेके आ जाइए, उस कागज में सबसे पहले मांगते हैं कि इनकम टैक्स का रिटर्न ले आइए,
प्रॉफिट एंड लॉस ले आइए, बैलेंस शीट ले आइए, 3 साल का ITR ले आइए, बैंकिंग में हमको ट्रांजेक्शन दिखा दीजिए। अरे साहब, जो आदमी बेरोजगार है उसके बैंक में ट्रांजेक्शन कहाँ से आएंगे, उसका इनकम टैक्स रिटर्न कहाँ से जाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कहाँ से लेकर के आएगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको बैंक कंडीशन लगा देता है। तो एक आम आदमी जिसकी कोई जान पहचान नहीं है लेकिन वो वास्तव में बिजनेस करना चाहता है, उसको मुद्रा लोन नहीं मिलता है और बैंक मुद्रा लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं क्योंकि उसमें बैंक का नुकसान होता है, सरकार की तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं है। बैंक का पैसा डूबा तो वो बैंक का नुकसान होता है, बैंक बैलेंस शीट में लॉस में चला जाता है। उसके बाद अभी एक स्कीम सरकार ने चलाई थी कि हर ठेले वाले को, खुमचे वाले को 10,000 रुपए का लोन दिया गया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोन दिया गया। मैं कहता हूं साहब कितना बिजनेस डेवलपमेंट हो गया इससे। आप 100 ऐसे लोगों को या 1 लाख ऐसे लोगों को लोन दे दीजिए जो देश का पैसा लेकर के बिजनेस में नहीं लगाएंगे, खा खू के खत्म कर देंगे और आप उनसे 1 रुपया वापस नहीं ले पाएंगे, या उन्होंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट कर भी लिया तो उनका रिवर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सरकार की ट्रेजरी में कितना होगा? नहीं होता है। बिल्कुल। आप उसकी जगह एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दीजिए, उस बड़ी इंडस्ट्री में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिल जाता है। वो लोगों को रोजगार भी देगी, उनके परिवार भी पालेगी और सरकार के खाते में टैक्सेस के माध्यम से एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन भी देगी। लेकिन यहां पर क्या है कि 10,000 रुपए ठेले वाले को दे दो, वो ठेले वाले का काम जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा होता है, वो 10,000 रुपया लेता है, खर्चा करता है और शांति से बैठ जाता है, आप उससे कुछ रुपया वसूल नहीं कर पाते। और इस तरीके से जो इस देश का ईमानदार टैक्स पेयर है, उस ईमानदार टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई इसी तरीके से वेस्ट होती और ये काम सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए किया जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को 10,000 रुपया सरकार दे देगी वो कहेगा भाई वोट मैं इन्हीं को दे दूंगा, इस सरकार ने मुझे 10,000 रुपए फ्री में दिया था। तो ये अगर आप वाकई में डेवलपमेंट की तरफ ले जाना चाहते हैं तो सरकार की ट्रेजरी को उस माध्यम पे खर्चा करिए जिस माध्यम से ट्रेजरी में पैसा वापस आए और बढ़ के आए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। टैक्स पेयर्स इस देश में, इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स की संख्या मात्र 2.3% है। आप सोचिए कि 140-135 करोड़ की देश की जनता में मात्र 2.3% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं। तो हम टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। टैक्स लॉज में कितने इंप्रूवमेंट हुए? कोई इंप्रूवमेंट हुए? हाँ, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है उसके ऊपर बर्डन पे बर्डन पे बर्डन पे बर्डन पड़ता चला जा रहा है। आज मैं अपने गाड़ी कमाई से अगर कमाता हूं तो 30% इनकम टैक्स मुझे सीधे दे देना होता है। मुझे सरकारी सुविधाओं में मेडिकल सुविधाएं ठीक से मिलती नहीं है। मैं मेडिकल सुविधाओं को अवेल करने के लिए अगर मेडिक्लेम पॉलिसी लेता हूं तो उस मेडिक्लेम पॉलिसी के प्रीमियम पे 18% GST मुझे अलग से देना पड़ता है। अरे साहब, मुझे कौन सी सेवा मिल रही है मेडिक्लेम में? लेकिन मुझसे सेवा का 18% ले लिया जा रहा है। मैं अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदता हूं क्योंकि मुझे सरकार से कोई भरोसा नहीं कि भविष्य मेरा कैसे होगा, तो उस लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम पे मुझसे 18% GST ले ली जाती है। साहब, सरकार सरकारा देती नहीं है लेकिन हर चीज पे 18% टैक्स लगा देती है। अब आप सोचिए कि मैं अपनी कमाई में 30% तो इनकम टैक्स देता हूँ, 18% में हर सुविधा के लिए GST देता हूँ, उसके अलावा मैं बिजली का बिल देता हूँ, मैं वाटर टैक्स देता हूँ, मैं हाउस टैक्स देता हूँ, मैं टैक्सेस पे टैक्सेस देता हूँ, तो मैं आधी जिंदगी का मेजर पैसा तो मैं सरकार को टैक्सेस देने में निकालता हूँ। और सरकार से मुझे क्या मिलता है? सरकार उन टैक्सेस को 10,000 रुपए इनको दे दो, इनको फ्री राशन दे दो, इनको फ्री ये दे दो, इनको फ्री वो दे दो। उस फ्री के देने से इस देश में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बल्कि लोग और पराधीन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। उनको मन रहा है कि ठीक है, सरकार, कोई सरकार आएगी हमारा कर्जा माफ कर देगी, हमको फ्री दे देगी, हमें काम करने की क्या जरूरत है? ठीक है, डेवलपमेंट फ्री बांटने से नहीं होता। बताई है ये बातें काफी अहम है। मैं राहुल जी, इसका सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि टैक्स पेयर पर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, टैक्स पेयर पर जो बातें दिलीप जी ने कही, ये वाकई बातें हैं और इस पर जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीके ठाकुर जी, आपके पास आना चाहूंगी। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो दिलीप जी ने गिनवाए हैं जिस पर आप सरकार को घेर सकते हैं, और ये वाकई बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके मानसून सत्र में हमने देखा मात्र एक पेगासस के मुद्दे पर आप अड़े रहे और किसी मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई। अभी भी क्या यही होने वाला है शीतकालीन सत्र में? ये जो मुद्दे बताए गए हैं, जो अहम मुद्दे हैं शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए, उनका क्या होगा? उस मुद्दे पर भी घेरा जाएगा सरकार को,
जो वक्त जितना होता है उतने में लोग करते हैं। आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि दिलीप साहब ने कहा था एजुकेशन सिस्टम में कांग्रेस ने भी चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल आनंद साहब आपके पास आना चाहूंगी, काफी है मुद्दे उठाए हैं और सवाल ये वाकई सरकार पर है कि टैक्स पेयर्स को आखिर कैसे बढ़ाया जाए और क्यों सरकार नहीं बढ़ा रही है। देखिए अभी तक के एक आंकड़ों के मुताबिक, सबसे पहले मैं दिलीप साहब उनके प्रश्न का एक उत्तर दे देता हूं कि उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि आखिर सरकार टैक्स क्यों लेती है जब मुझे उस सुविधा मिलता नहीं है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा और स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार संविधान के तहत जिन कानूनों को बनाती है और कानूनों को बनाने के तहत उस पे सेवा मिले या ना मिले उसमें कर की कर का प्रावधान होता है, उस कर के प्रावधान के हिसाब से हमें और आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और अभी तक 8.83 करोड़ लोगों ने सितंबर तक टैक्स के लिए लॉगिन किया है। और कभी भी जो देश की जो राजनीति चलती है, जो देश का जो विकास चलता है, वो कहीं ना कहीं इस टैक्स की वजह से ही चलता है। और टैक्स देकर सरकार के साथ पारदर्शिता के साथ जुड़ना चाहिए। यही तो सवाल है ना उनका, आप टैक्स लीजिए, आप टैक्स पेयर्स बढ़ाइए, टैक्स लीजिए, आप जितना आपको लेना लीजिए। लेकिन दिलीप जी बात तो ये कहना चाह रहे हैं ना कि आखिर वो उसके बाद राहुल जी से सवाल जी दिलीप जी, राहुल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश के संविधान में टैक्स देने का प्रावधान है। मैं सहमत कि हमें सेवा मिले नहीं मिले हमें टैक्स देना है, लेकिन इसी संविधान के प्रियम्बल में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी दिलीप जी आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, आप एक बार उनका सवाल सुने उसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। दिलीप जी, राहुल जो रेफरेंस दिया कि संविधान में टैक्सेस की व्यवस्था करी गई है और ये हमें सेवा मिले चाहे ना मिले हमें टैक्स देना है, मैं सहमत हूँ क्योंकि कानून अगर कोई है तो सबके ऊपर लागू है। लेकिन साहब कानून वो होता है जो सामाजिक सिद्धांतों में फिट बैठता है। आपने मुझसे टैक्सेस तो लिया, संविधान का हवाला दिया, उसी संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि उन टैक्सेस का इस्तेमाल इस देश की जनता के लिए किया जाएगा, इस देश के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। और उसी संविधान के प्रियम्बल में तीन बातें लिखी हैं कि आप हमको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो साहब आप मुझे आर्थिक न्याय दे रहे हैं क्या? मुझसे टैक्स तो ले रहे हैं, मुझे रिटर्न में क्या दे रहे हैं? बिल्कुल आप गरीबों को तो दे रहे हैं, उनसे ले नहीं रहे उनको दे रहे हैं, जिनसे ले रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं? और क्या जिनसे ले रहे हैं सिर्फ उनसे ही लेना आपकी जिम्मेदारी है? क्या संविधान ये कहता है कि जो दे रहा है उसी से लिया जाए, उसी पे टैक्सेस बढ़ा दिए जाए, जो हाउस टैक्स दे रहा है उसी पे हाउस टैक्स और लगा दिया जाए, उसी पे एक्साइज और बढ़ा दी जाए, उसी से जीएसटी और बढ़ा दिया जाए? नए टैक्स बेस नहीं बढ़ाना है, नए टैक्स बेस बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस देश का हर व्यक्ति टैक्स पेयर बने ये करना आपकी जिम्मेदारी नहीं, ये संविधान नहीं कहता है, ये भी संविधान कहता है। आनंद साहब जवाब आपका। देखिए इन्होंने जो प्रश्न किया मैं आपको बता देता हूँ, जब से नोटबंदी का सिलसिला शुरू हुआ था और जब से मोदी सरकार आई थी सत्ता में, तब से टैक्स पेयरों की संख्या बढ़ी है, बड़ी है। और ये हमने किया है और नहीं बड़ी है, और मैं बता रिटर्न फाइलर्स की संख्या बढ़ी है, रिटर्न फाइलर्स की संख्या बढ़ी है, टैक्स पेयर्स की संख्या नहीं बढ़ी है। जो रोजगार के अवसर हमने खड़े किए वहां से भी टैक्स आ रहा है, उसी का नतीजा है कहीं कहीं कुछ चीजें सस्ते होती है। आपने बात किया कि हमें क्या मिलता है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे देश के किसी भी राज्य और किसी भी शहर में रहे, जब भी आप बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो वहां पे बिजली बिल में सब्सिडी लिखी रहती है, वो सारे लोगों को मिलती है, ना कि मुझे मिलता है ना कि आपको मिलता है। वाटर रेंट की भी अगर बात कर ले तो वाटर रेंट भी हर लोगों को मिलता है और बहुत जगह सरकारें फ्री भी कर देती है। तो सुविधा जो दबे कुचले हैं, जो हमारा देश धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रणीय हो रहा है, तो निश्चय ही हम और लोगों को इस काफिले में जोड़ेंगे और बहुत तेजी से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जल्द ही हमारी सरकार उन गुणवत्तापूर्ण लक्ष्य को भी हासिल कर लेगी और टैक्स पेयरों की संख्या में और तेजी से बढ़ोतरी कर लेगी। आपने देखा होगा कि जो आप बात करते हैं सामाजिक की बात करते हैं, जो एक्सप्रेसवे बनते हैं, जो विकास की परियोजनाएं चलती हैं, जो एयरपोर्ट्स आते हैं, वो कहां से आते हैं, वो कैसे आते हैं? वो आपके और हमारे पैसे से ही बनते हैं और देश के 135 करोड़ लोगों के
द्वारा खरीदे गए पेट्रोल डीजल हो या टैक्स पे किया गया हो, उनके माध्यम से ही वो विकास होता है। नहीं तो किसी भी सरकार में इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने पैसे से विकास करे। अगर आप इसे विकास कहते हैं, एक चींटी की चाल पर अगर हम विकास करते रहे तो शायद कई दशकों तक हम अपने पड़ोसी जो देश है उनके बराबरी कर ही नहीं पाएंगे कभी। नहीं मुस्कान जी, मैं आपको थोड़े सा के इस पर रेखांकित करना चाहूंगा कि जो विकास की परिभाषा पहले हुआ करती थी और अब में बहुत फर्क है। हम जिस तेजी से विकास के लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं शायद ही कोई करता होगा। आपने देखा होगा कि हमने अब तक जो भी किया है तय सीमा के पहले, तय समय के पहले हमने करने का कार्य किया है उसको। ये हमारी परंपरा और ये हमारी विकास की गति है। रफ्तार 24 घंटे की चल रही है और बढ़ेगी। आपने जो पहले जो रोड बनता था, जो किलोमीटर बनते थे 3 से 4 किलोमीटर, आज देखिए वो 50 से 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में तब्दील हो गए हैं। तो ये विकास का लक्ष्य है और ये तेजी है ताकि सरकारी राजस्व की क्षति न हो और विकास भी हो। आप राहुल आनंद जी की नहीं, देखिए विकास के कई पहलू होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ और ये सरकार कर रही है, मैं इस बात को मानता हूँ कि ये सरकार इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से देश का विकास नहीं होता है। और जो राहुल जी ने कहा कि टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, राहुल जी मैं करेक्ट कर दूं आपको, टैक्स पेयर्स नहीं बढ़े हैं, टैक्स फाइलर्स बढ़े हैं। रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या बढ़ी है, टैक्स का कलेक्शन नहीं बढ़ा है। टैक्स का कलेक्शन बल्कि टैक्स पेयर्स की संख्या घटी है क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट थोड़ी सी पड़ गई है। तो टैक्स पेयर्स और टैक्स फाइलर्स दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है उसको मैं सपोर्ट करता हूं, मैं मानता हूं और ये मैं मान रहा हूं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें अच्छी बनी हैं, हाईवेज पे काम हुआ है, मैं सहमत हूं इस बात से, इस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि साहब, जब मेरा घर होता है, जो मेरा घर होता है, जनरली आदमी के घर का ड्राइंग रूम बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आप बेडरूम में चले जाइए तो वहां फटा गद्दा और टूटा पलंग पड़ा होता है। ड्राइंग रूम हम इसलिए अच्छा कर देते हैं साहब, कोई आएगा बैठेगा देखेगा तो सोचेगा भाई ये समृद्ध लोग हैं। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो किस, ये इसी बात से परिभाषित होता है। साहब ऊपर तो बहुत बढ़िया बढ़िया दिख रहा है लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? साहब मुझे तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है सड़कें हाईवे अच्छा बना है, मैं चलता हूं उस पर, मुझे मजा आता है, लेकिन मैं हाईवे पे रोज नहीं चलता हूं। हाईवे से मेरे बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा है, हाईवे से मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा है, हाईवे से मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है, एयरपोर्ट बन जाने से मेरे घर में बिजनेस डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है दिलीप जी, समय इतनी इजाजत देते हैं, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नहीं लौट पाऊंगी राहुल आनंद जी आपके पास, लेकिन जो बातें दिलीप जी ने बताई है वो बातें काफी अहम है और इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर टैक्स पेयर्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए और आखिर कैसे देश के विकास की जो गति है उसको और तेज किया जाए। फिलहाल देखना होगा कि कल शीतकालीन सत्र की शुरुआत है, इसमें विपक्ष क्या वाकई इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेगा जिन मुद्दों पर घेरने की जरूरत है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।